Now, lesson number 7, exercise 3.1 related to the inverse variation. Solutions are example number 6 and 7 and exercise question 6 and 7. Now, question number 7 R varies inversely with PQ and P equals to 9 when R equals to 2. Find फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है आर व्हेन पी इक्वल्स टू 3 एंड सेकंड पार्ट में पी फाइंड आउट करना है व्हेन आर इक्वल्स टू 1/4. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो रिलेशन गिवन है वो है इनवर्सली विद 1/PQ. राइट डाउन दिस कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल इन द सॉल्यूशन एंड व्हाइल राइटिंग इन इक्वेशन फॉर्म इट विल बी आर इक्वल्स टू के बाय पी क्यू. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. Now from this equation how can we find k? So k is now equals to r p q. This is the second equation. And for p q, the third equation is for p q. P cube equals to k by r. Now this is the third equation. Now first of all कांस्टेंट रेशियो फाइंड आउट करनी होती है किसी भी और वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए. आर और पी को हमने फाइंड आउट करना है फाइनली, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वील हैव टू फाइंड के. और के के लिए किस पेयर को यूज़ करेंगे हम जो हमें आर और पी की गिवन वैल्यूज़ हैं. तो पी इक्वल्स टू 9, आर इक्वल्स टू 2, देन पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 में आप इसको पुट करें तो आपको कांस्टेंट रेशियो मालूम हो जाएगी. ये आपके पास आर की वैल्यू 2 है, पी की वैल्यू 9 है, 9 का हम क्यूब लेंगे तो ये आपके पास 2 है और 9 का क्यूब होता है 729. इसको आप कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. 9 क्यूब मींस 9 × 9 × 9 विच इज़ 729. ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 1458. ये कांस्टेंट रेशियो है. अब कांस्टेंट रेशियो मालूम हो गई, अब आप फर्स्ट पार्ट के लिए आर फाइंड आउट करना है, जबकि हमें इसमें व्हेन पी इक्वल्स टू 3 एंड के इक्वल्स टू 1458. अब आपको R की इक्वेशन आप देख लें अपने सॉल्यूशन में. R की इक्वेशन फर्स्ट है, इसको इसमें वैल्यू पुट करेंगे. R इक्वल्स टू K में आपने 1458 उसी तरह से लिखना है और P की वैल्यू चूँकि 3 है लेकिन 3 का क्यूब लेना है, 3 का क्यूब लेना है तो ये होगा 3 का क्यूब आपको 3 × 3 × 3 विच इज़ इक्वल्स टू 27. एंड वी यूज़ कैलकुलेटर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R 1458 divided by 27, that is equals to 54. So R equals to 54 when P is 3. P is 3. Now second part, find P. अब हमें P find out करना है. K की value आपको पता है, उसी को लेना है. Constant ratio जो हमने already फाइंड आउट किया हुआ है पहले से ये है और आपको गिवन है आर जो है आपके पास 1/4 है तो आपको पी फाइंड करना है. इसके लिए आप इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करेंगे. पी क्यूब की जो इक्वेशन आपने फाइंड आउट की है के बाय आर, अब इसमें उसी तरह से आप पहले के की वैल्यू लगाएं, ठीक है जी, और आर की वैल्यू है 1/4. अब 1/4 है तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में जब लाएंगे तो ये 4/1 हो जाएगी और 1458 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, 4 टाइम्स इसको लेना है और जब आप इसको कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो पी क्यूब की वैल्यू आपके पास आ रही है 5832. अब चूँकि ये क्यूब रूट है हमें क्यूब रूट से पी फाइंड आउट करना पड़ता है तो आप ये भी कैलकुलेटर से क्यूब रूट फाइंड आउट कर लें और इस पर भी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पर आप क्यूब रूट का सिंबल लगाएं और ये ऑपरेशन आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करें तो पी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 18.
क्योंकि ये 18 का क्यूब है, 18 का क्यूब जो है वो 5832 है, ये आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पी इक्वल्स टू, या देयरफॉर पी इक्वल्स टू 18 व्हेन आर इक्वल्स टू 1/4, और इस तरह से ये आपका इनवर्स वेरिएशन का सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया, और यही आपका एंड ऑफ द एक्सरसाइज 3.1 है। इस तरह से ये सारे सॉल्यूशंस हमने कंप्लीट करवा दिए, आप भी इसकी प्रैक्टिस करें और इसको करने की कोशिश करें। थैंक यू।